अम्मा गणी साहब, राम राम। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मिर्ची राजस्थान की। खट्टा मिर्ची के लिए हमने 250 ग्राम मिर्ची ली है। उसको ऐसे बीच में से कट कर लिया है। इसके एक में से 4 पीसेस हो गए हैं। और इसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी रेड चिली 1 चम्मच, और 1 पिंच हमें चाहिए हींग, और हमें 1 चम्मच ही चाहिए सॉल्ट, और 1 ही चम्मच हमने जीरा और थोड़ी सी राई डाली है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई, और बाकी का हमें ये चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन, और 2 टेबल स्पून चाहिए हमें कर्ड यानी कि दही। तो ये भी इसमें ऐड होगा। तो अभी हमने इसके अंदर कढ़ाई गर्म कर दी, और इसके अंदर हमने राई और जीरा डाल दिया है, और हींग भी डाल दी है। इसके बाद हमें चाहिए, अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे, हमें हमारी मिर्चों को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्योंकि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें मिर्चें डाल देते हैं। हम इनको चलाना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे चलाएंगे। इसमें ये हमने 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है ये। 5 टेबल स्पून लेंगे हम, और इसमें इस तरह से इन्हें चलाएंगे। और ज़्यादा इसलिए डाला जाता है क्योंकि हमारे साथ बेसन भी है, वो भी हमें भूनना है। तो इसलिए हमें इसको बस दो थोड़ी देर ही चलाना है, और उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड कर देते हैं। देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे लम्स नहीं पड़ जाए। तो हम इसको बेसन को इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसको हम 3 या 4 बार में डाल देंगे। तो हमारे पास ऑयल ज़्यादा है इसलिए ये इसके साथ एकदम से मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाइए, देखिए बहुत स्वादिष्ट बनता है। इतना यमी बनता है कि इसको खा करके आपको कई एक हफ्ते आपके चल जाएगा, 2 हफ्ते इस तक आराम से ये चल ही जाता है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, और बहुत टेस्टी बनता है ये खट्टा मिर्ची। तो आप इसको बना करके इस तरह से खिलाइए घर में, सबको बहुत पसंद आने वाली है। इस तरह से आप चलाएंगे। और देखिए मैं इसके अंदर अब ऐड करने वाली हूँ कोरिंडर यानी कि धनिया 1 चम्मच, और रेड चिली हमने 1 चम्मच डाल दी। अब हमने इसके ऊपर केवल डालना है सॉल्ट, यानी कि यही भी हमारा छोटा चम्मच है एक, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हमारी सारी चीज़ों को हम बस चलाएंगे, और बस थोड़ी सी देर में ही ये बन जाती है, क्योंकि अभी हमने फ्लेम को लो कर रखा था। अब हम इसको तेज कर देंगे, और इस तरह से ये इसके साथ जो है बेसन मिक्स हो जाता है, और इसके ऊपर थोड़ा सा लिपट जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये पक जाता है। तो बस थोड़ी सी देर बाद हम इसके अंदर लास्ट में, क्योंकि थोड़ा खट्टापन लिए होना चाहिए, तो अगर हम इसमें खटाई यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम इसके अंदर दही यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे राजस्थानी में आप देखा होगा कि ज़्यादातर डिशेज में दही बहुत यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम जो है इसके अंदर दही डालेंगे, और दही से इसमें जो है काफ़ी अच्छा खट्टापन आ जाता है। तो ये खट्टा मिर्ची जो है खट्टा मिर्ची हो जाती है, यानी कि खट्टा मिर्ची कहलाती है। तो देखिए खट्टा मिर्ची इस तरह से खट्टी बनती है, और आपको अच्छा लगेगा खा करके। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है खाने में, और बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। मैं तो अक्सर बनाकर इसे रख लेती हूँ, और कम से कम 1 वीक के लिए। तो इसके बाद इसको आप जो है खाते रहिए, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में भी एकदम। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। देखिए हम इसमें दही डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसको 2 बार में डालेंगे ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हम सारा दही डाल दिया है इसके अंदर। ये 2 टेबल स्पून दही हमने इसमें ऐड कर दिया, और 2 टेबल स्पून ही हमारा बेसन है, और ये 250 ग्राम का मेजरमेंट है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें दही को ऐड करते ही, बहुत खूबसूरत लग रही है ये, एकदम देखने में भी यम्मी लग रही हैं। आप चाहें तो इसे पराठे से खाइए, चाहे रोटी के साथ सर्व करिए, चाहे बाजरे की या मक्के की रोटी के साथ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि विंटर सीजन है, इसमें बाजरे की और मक्के की रोटी खूब खाई जाती है। तो दोस्तों आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगने वाली है ये। और अब इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसको इसमें निकाल लेंगे। अब हम गैस को बंद करने वाले हैं, और इसके अंदर हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बन गई है ये, बिल्कुल पक चुकी है ये। अब इसको हम बंद कर देते हैं, और इसको ठंडा होने पर थोड़ा सा इसके अंदर निकाल लेते हैं। देखिए हमने कढ़ाई नीचे निकाल ली है, इसको हल्का सा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में ही, इतनी प्यारी है खाने में, तो कितनी मस्त लगने वाली है। तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमें सामान की।
और ये देखिए सर हमने डंठल निकाल लिए थे, इसको हम डंठल को डस्टबिन में डाल देते हैं और अब हम इसके अंदर इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। देखिए खूबसूरत करी है, सो यम्मी। इसकी लुकिंग इतनी यम्मी है तो खाने में आप बताइए कितनी यम्मी होती है। सो वाव, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने निकाल ली है इसके अंदर, तो ये है दोस्तों, आप ज़रूर बनाएं इस बार खट्टा मिर्ची और खुद भी खाएं, दोस्तों को, मेहमानों को, सभी को खिलाएं। तो फिर से खम्मा गणेशा एंड राम राम। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ 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 शेयर करिए। थैंक यू।